हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंकित एंड यू आर वाचिंग AK ऑटो व्लॉग्स। सो आज जो है अपने पास एक न्यू कार है जो कि है i20। ये जो है इलाइट i20 है, नई वाली i20 नहीं है, ये 2020 मॉडल है एक्चुअली। मतलब ये जो है मेरे फ्रेंड ने मतलब रिसेंटली खरीदी है, रिसेंटली क्या मतलब साल होने ही वाला है। तो आज देखते हैं, ये जो है इलाइट i20 मैग्ना प्लस वेरियंट है 2020 का। तो आज देखते हैं इसमें क्या क्या मतलब फीचर्स मिल जाते हैं आपको और क्या मतलब इसकी कैसी मतलब क्वालिटी है, सब कुछ बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो गाइज, इसमें जो है आपको हेलोजन बल्ब्स मिल जाते हैं, प्लस आपको इसमें जो है DRLs भी मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, प्लस इसमें जो है आपको एलॉय व्हील नहीं मिलता है, स्टील रिम मिल जाते हैं विद व्हील कैप 14 inches। ये जो है टायर है चारों इसमें, प्लस इसमें जो स्टेपनी मिलती है वो भी 14 inches ही मिलती है स्टील रिम के साथ। और प्लस आपके जो इसमें ORVMs जो हैं ये ऑटो फोल्डेबल नहीं है, मतलब जैसे कि आप देखेंगे अभी इस टाइम पे कार लॉक है तो ये फोल्ड नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक तरह से बेस वेरिएंट ही है तो, लेकिन जो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, जैसे भाई ने करवा रखे बिल्कुल जेड ब्लैक इसमें अभी जो है इसके विंडोज़ हैं, बट ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ और ना ही मैं अपनी कार्स में करवाता हूँ। प्लस अब इसके बैक साइड में आते हैं थोड़ा, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसमें जो है यहाँ पे रिवर्स लैंप मिल जाता है, जब आप बैक गियर लगाते हैं तो ये लैंप जलता है। यहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाते हैं बैक करते टाइम जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे आपके Hyundai की बैजिंग मिल जाती है और ये जो है आप देख सकते हैं पहले जो इससे पहले वाली i20 थी उसमें ऐसे बैक लैंप्स नहीं आते थे, उनका डिज़ाइन अलग होता था, बट इनका इस टाइप का है। भाई ने यहाँ पे टो बेल्ट भी लगवाई हुई है जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और गाइज यहाँ पे जो है आपको एंटीना मिल जाता है इस कार का, जो कि नॉर्मल टिपिकली जैसा आता है कार्स में, शार्क फिन एंटीना नहीं है ये। प्लस यहाँ पे जो है आपको 311 liter का बूट स्पेस मिल जाता है जो कि काफ़ी सही है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत मतलब काफ़ी अच्छे इसमें जो है, भाई ने अभी बेस ट्यूब भी लगाई हुई है छोटी सी, और इसमें जो है बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। वैसे क्या बंदा चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या अंदर फीचर्स मिल जाते हैं इस कार में मैग्ना प्लस में। तो गाइज अब हम जो है कार के अंदर आ चुके हैं, यहाँ से मैंने की भी लगा दी, और मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि टाटा टियागो में होता है क्लच प्रेस करके ही ये कार जो है स्टार्ट होती है, पहले मैक्सिमम कार्स में नहीं आता था, इससे पहले वाली i20 में भी ऐसा नहीं था कि क्लच प्रेस करके ही स्टार्ट होती थी कार। तो इसमें जैसे मैंने अभी क्लच प्रेस नहीं किया है तो आप देख सकते हैं कार स्टार्ट नहीं हो रही है, अब मैं क्लच प्रेस करता हूँ तो कार स्टार्ट हो चुकी है, ये मैं ड्राइव करके दिखा देता हूँ आपको। तो ऐसा इसका जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आता है जो लास्ट i20 थी वैसा ही है ये, और न्यू कार है आप देख सकते हैं अभी तक ये जो है यहाँ से पॉलीथीन भी नहीं निकाली गई है। तो इसमें ऐसे स्टेयरिंग व्हील जो मिल जाता है, इसमें जो है आपको नॉर्मल ऑडियो सिस्टम मिलता है, ऐसा नहीं है कि इसमें जो है पहले से ही मतलब पूरी स्क्रीन मिलती हो, टच स्क्रीन ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ टॉप मॉडल्स में मिलती हैं। बट हाँ एक फायदा है इस कार में, बेस वेरिएंट होके भी इसमें DRLs दिए हुए हैं, डे लाइट रनिंग लैंप्स जो होते हैं। यहाँ पे आपको जो है रियरव्यू मिरर मिल जाता है जो कि ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअली है, मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। प्लस यहाँ पे पुरानी वाली i20 की तरह सनग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भाई ने सनग्लास भी रखा हुआ है। प्लस यहाँ पे जो है ये दो लैंप्स मिल जाते हैं जो कि आप प्रेस करके भी कर सकते हैं, जल जाते हैं ये, और पीछे की साइड भी यहाँ पे एक आपको लैंप मिल जाता है। तो कैबिन के लिए काफ़ी अच्छा, मतलब ये दोनों ही जो लैंप्स हैं ये तीनों लैंप्स काफ़ी इफेक्टिव हैं। प्लस आपको जो है इसमें दो एयरबैग्स मिल जाते हैं, एक पायलट साइड एक पैसेंजर साइड, तो सेफ्टी वाइज भी काफ़ी अच्छी ये कार है। यहाँ पे आपको ORVMs के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से मैं लेफ्ट किया तो वो, तो ऐसे इसके कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको विंडोज कंट्रोल मिल जाता है, चारों जो विंडोज हैं ये पावर विंडोज हैं, चारों पावर विंडोज इसमें मिल जाती हैं आपको। तो वहाँ से देख सकते हैं आप मेरी कार जा चुकी है जो कि भाई ले गए हैं किसी काम से। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको जो है ये इससे अगर आप क्लिक करते हैं तो बैक साइड की जो विंडोज हैं वो काम करना बंद कर देंगी, जैसे कि मैंने आपको अपनी कार में भी बताया था, मेरे उसमें भी ऐसा फीचर है। यहाँ पे आपको कुछ होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हैं छोटा मोटा, यहाँ पे आपको बोतल होल्डर्स मिल जाते हैं इस साइड भी। इसके जो
ये डोर्स हैं, इनमें चारों में बोतल होल्डर अच्छा खासा इसके साथ आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है ये आपको डैशबोर्ड मिल जाता है जो कि एयर कूल्ड नहीं है, तो ऐसा कुछ है। प्लस यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं आता है इसमें। इस तरह से जो है एसी ऑन होता है, यहाँ से आपको फैन ऑन करना पड़ेगा फर्स्ट, देन एसी आपको क्लिक ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका गियर नॉब इस टाइप का है। ये जो कार आती है फाइव गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है पेट्रोल में, डीजल में जो है ये सिक्स गियर्स के साथ आती है। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको स्पेस मिल जाता है, स्पेशियस कार है ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे भी आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे हैंड ब्रेक है आपका, यहाँ पे आपको जो है हैंड रेस्ट मिल जाता है। इसमें जो है नॉर्मली जैसे पुरानी कार में था, पुरानी वाली i20 में वैसे ही स्पेस मिलता है इसमें। प्लस मैं आपको बता देता हूँ इस कार में जो मैं आपको बाहर चल के बताता हूँ। सो गाइज हम जो है बाहर आ चुके हैं, इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन i20 Elite मैगना प्लस का। इसमें जो आपको है 1200 सीसी का इंजन मिल जाता है, प्लस आपको 82 bhp विद 119 nm टॉर्क आपको इस कार में मिल जाता है। तो ये कार जो है 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती है, जैसे मेरी टाटा टियागो वो 3 सिलेंडर इंजन है, तो उसमें जो है कैबिन नॉइस आती है बट इसमें बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं आपको एक बार अंदर चल के भी दिखा देता हूँ थोड़ा। तो काफ़ी भाई अब पूछेंगे जैसे ये 2020 की कार है, जुलाई में ली गई है, तो जो है ओनर ने ये कार ही क्यों खरीदी, नई वाली कार का वेट क्यों नहीं किया, नई वाली i20 का? तो उसका रीज़न मेन ये है कि उनको वो उस टाइम पे कंफर्म नहीं थे, कोई अपडेट नहीं आया था कि नई वाली i20 कब तक आने वाली है। इनको i20 ही लेनी थी स्टार्टिंग से ही, दैट्स वाई इन्होंने i20 ही ऑप्ट की, इलाइट i20 पे ही गए, मैग्ना प्लस वेरिएंट लिया इन्होंने। अदरवाइज अगर नई वाली i20 आ गई होती तो वो नई वाली i20 ही लेते, चाहे वो उसका मैग्ना प्लस वेरिएंट है मैग्ना ही लेते। तो ये रीज़न था, मैंने भी ओनर से पूछा था ये। तो ये सब इस कार में जो फीचर्स मिल जाते हैं, और सच बताऊं तो इस कार में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, मतलब टियागो के हिसाब से, अपनी कार के हिसाब से बताऊं तो, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। प्लस इस कार में जो है 70 मैट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे सीट कवर्स जो लगवाए हुए हैं भाई ने, बकेट सीट कवर्स हैं जो कि i20 के लिए स्पेशली बने हुए हैं। प्लस इसमें जो है प्रॉपर नेट सनशील्ड जो होता है वो लगवाया हुआ है, आगे भी पीछे भी आप देख सकते हैं इस वाले विंडो पे भी, बट आगे नहीं लगवाया क्योंकि वैसे ही कार में जो है जेड ब्लैक शीशे हैं। सो गाइज ये थी बेसिकली इलाइट i20 2020 मॉडल मैग्ना प्लस वेरियंट। वैसे मैं आपको अभी कार ओनर है, मैं आपको एक बार DRLs भी दिखा देता हूँ बाहर जाके कैसे दिन में भी दिखते हैं, अभी शाम का टाइम है, ज़्यादा रात हुई नहीं है, तो चलिए बाहर की साइड चलते हैं। देख सकते हैं आप इसके जो है DRLs ऑन हो गए हैं यहाँ पे भी, तो इस टाइप की जो है ये कार दिखती है जब DRLs ऑन होते हैं। सो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट लाइक, डू सब्सक्राइब एंड कीप शेयर दिस वीडियो। सो ये जो था बेसिकली एक रिव्यू था, क्योंकि एक साल होने वाले इस कार को, और ये जो कार अब डिसकंटिन्यू भी हो चुकी है एक तरह से, तो अब नई वाली i20 आ गई, इलाइट i20 जो है वो बंद हो चुकी है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।